नमस्कार दोस्तों, आज हम राजमा बनाने जा रहे हैं। राजमे को हम बॉयल करेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, नमक डालेंगे, यहीं पे हम तेजपत्ता, दालचीनी और इलायची डालेंगे, दो तीन लौंग भी डालेंगे और चार से पांच सीटी लगाएंगे। अभी कढ़ाई में हम सरसों का तेल गर्म करेंगे और कटे हुए प्याज को भुनेंगे। जब प्याज हल्का भुना जाए तब इसमें हम कटे हुए टमाटर को डालेंगे। दोनों को अच्छी तरह से हम भुनेंगे। हमें इसे ढक ढक कर ही भुनना है। प्याज और टमाटर भुना चुका है। जीरा, गोल की धनिया और गोटा गरम मसाला लेंगे और इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। प्याज और टमाटर को हम ग्राइंडर जार में डालेंगे। यहीं पे हम भुने हुए मसालों को डालेंगे, लहसुन और अदरक को भी डालेंगे। सभी को हम साथ में ही पीसेंगे। हमें महीन पीसना है। राजमा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से बना करके खाइए और बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको। एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे, तेजपत्ता और जीरा डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और सभी पीसे हुए मसालों को डालेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। कुछ हरी मिर्च हम डाल रहे हैं। ढक ढक कर भुनेंगे। यहीं पे हम नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि राजमे में हम डाल चुके थे। हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छे से भुनेंगे। मसाला जो है हमारा भुना चुका है। अब उबले हुए राजमे को डालेंगे। राजमा जो है अच्छे से कोट हो गया है मसालों में। जब मसाला और राजमा अच्छे से भुना जाए तब हम इसमें अपने हिसाब से पानी डालेंगे। और इन्हें हम ढक करके अच्छे से पकाएंगे। लास्ट में हम धनिया पत्ती डालेंगे। राजमा हमारा तैयार है। अब हम जीरा राइस बनाने जा रहे हैं क्योंकि राजमा जो है चावल के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो तेजपत्ता, घी डालेंगे एक चम्मच, तेजपत्ता और जीरा डालेंगे, छोटी इलायची, लौंग और थोड़ा दालचीनी डालेंगे और धोए हुए चावल को डालेंगे और थोड़ा भून लेंगे। चावल का डबल हम पानी डालेंगे। आधा नींबू का रस डालेंगे। यहीं पे हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और एक सीटी लगाएंगे। लीजिए, हमारा जीरा राइस तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।